जिस नेता को योगी ने बनाया था सरकार में मंत्री, अब उसी नेता ने किया देश के मंदिरों का अपमान। मंदिर विरोधी इस नेता पर भड़के स्वामी चक्रपाणी। जेल या पागलखाने भेजे जाने की कर दी वकालत। गोरक्षनाथ मंदिर के महंत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब साल 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली थी, तो उस दौरान उन्होंने एक ऐसे नेता पर भरोसा जताते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री जैसा बड़ा पद दिया, जिन्हें मायावती ने अपनी पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया था और बीजेपी ने अपना लिया था। लेकिन शायद उस वक्त ये बात सीएम योगी भी नहीं जानते रहे होंगे कि जिस नेता को वो कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं, वही नेता किसी दिन समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेगा और कभी हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामचरितमानस का विरोध भी करेगा, तो कभी देवभूमि उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम का मजाक उड़ाएगा। और इस नेता का नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद जब से महादेव की काशी में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने की बात आई है, तभी से लगता है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को कुछ ज्यादा परेशानी हो रही है। इसीलिए सपाई एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो जैसे ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के विरोध में मोर्चा खोल दिया। एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अगर एएसआई जांच की बात चलती है तो ज्ञानवापी मस्जिद ही क्यों, जितने भी हिंदू धर्म स्थल हैं, उसके पहले की उनकी क्या स्थिति थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं ज्यादातर हिंदू तीर्थ स्थल पहले कभी बोध मठ थे, उनको तोड़कर हिंदू तीर्थ स्थल बनाए गए हैं। इसलिए अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात आती है तो बात बहुत दूर तक जाएगी, और यही कारण है कि भाईचारा और सौहार्द बना रहे। इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन देश की जो भी स्थिति रही है उसे यथावत माना जाए और उसी को व्यवहार में जाना जाए। हिंदुओं के मंदिरों को बोध मठ बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बात साबित करने के लिए बद्रीनाथ धाम का उदाहरण दिया और कहा, अभी भी विकिपीडिया उठाकर देख लीजिए, बद्रीनाथ धाम बोध मठ था, आदि शंकराचार्य ने उसे बद्रीनाथ हिंदू धर्म मठ बनाया, तो अगर एक की बात चलेगी तो सभी तीर्थ स्थलों की बात होगी। बद्रीनाथ धाम को बोध मठ बता रहे बौद्धिस्ट स्वामी प्रसाद मौर्य को अब अखिल भारतीय संत महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने तगड़ी क्लास लगाते हुए कहा है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार हिंदू सनातन पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। सीएम योगी को इन्हें आगरा पागल खाने भेज देना चाहिए या फिर FIR दर्ज करके जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इनके विश्व मनन को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई जरूरी है। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व उत्तर प्रदेश के मंत्री द्वारा बद्रीनाथ धाम पे जिस प्रकार से आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है बार बार, कभी सनातन धर्म पे, कभी रामचरितमानस पे, अब बद्रीनाथ धाम पे टिप्पणी की गई है, यह अत्यंत निंदनीय है। यह ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव हारने के बाद अपनी मानसिक स्थिति खो चुके हैं। इसलिए अब समाज का ये मानना है, या तो इनका स्थान पागलखाना होना चाहिए, रांची या तो आगरा में है, माननीय मुख्यमंत्री जी इनको आगरा भेजे, अथवा अगर ये सही सलामत है तो अगर जानबूझ के कर रहे हैं, वहाँ मनुष्यता पैदा करना इनका उद्देश्य है, तो इनके खिलाफ FIR दर्ज कर इनको सलाखों के अंदर डाला जाए। तो इनका दो ही स्थान है, या तो जेल या तो पागलखाना। लेकिन इसकी जो बोलने के जो तरीके इनके हैं, यह बिल्कुल आपत्तिजनक है। यह जिस प्रकार से समाज में जहर घोल रहे हैं, इसे न सिर्फ हिंदू भावनाओं को ठेस लग रहा है, बल्कि समाज में एक जहर घोल रहे हैं। इसलिए इनके विष पमन को रोकने के लिए जरूरी है कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।
स्वामी चक्रपाणि महाराज ने जहां सीएम योगी से स्वामी प्रसाद मौर्य को पागलखाने भेजे जाने की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तो स्वामी प्रसाद को यहां तक सलाह दे दी कि जाकर अपने अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जी से पूछ लें बद्रीनाथ धाम का महत्व, क्योंकि वो खुद उत्तराखंड की रहने वाली हैं। वैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं, उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जी इसी प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीस धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहां पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिंपल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य को बताना चाहिए। देखिए, बद्रीनाथ धाम और ये बद्रीस स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और वह उस जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, क्योंकि जो हर चीज को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टिकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। इतना कुछ होने के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बात पर अड़े रहे और एक ट्वीट में फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, आखिर मिर्ची लगी ना, अब आस्था याद आ रही है। क्या औरों की आस्था आस्था नहीं है? इसलिए तो हमने कहा था कि किसी की आस्था पर चोट ना पहुंचे, इसीलिए 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसे यथास्थिति मानकर किसी भी विवाद से बचा जा सकता है, अन्यथा ऐतिहासिक सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बोध मठ था, इसके बाद ये बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल बनाया गया, यही सच है। स्वामी चक्रपाणि महाराज से लेकर सीएम पुष्कर धामी तक हर किसी ने बौद्ध धर्म मानने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को लताड़ लगाई, लेकिन इसके बावजूद माफी मांगने की बजाय वो अपनी बात पर अड़े रहे। वैसे आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है कि उन्होंने कोई विवादित बयान दिया हो। बद्रीनाथ धाम को बौद्ध मठ बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले भगवान राम पर लिखी गई रामचरितमानस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सपाई अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय उन्हें विधान परिषद में MLC पद से नवाज देते हैं। बहरहाल, अखिलेश यादव भले ही अपनी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई एक्शन ना ले रहे हों, लेकिन जिस तरह से स्वामी चक्रपाणि ने सीएम योगी आदित्यनाथ से स्वामी प्रसाद को पागल खाने या फिर जेल भेजने की मांग की है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।